पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की स्टेशन शाखा ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर वाणिज्य विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने भ्रष्ट सुपरवाइजरों को हटाने की मांग की। ज्ञापन में मंडल सचिव एके यादव ने कहा कि सीआईटी मुरादाबाद को बिना किसी आरोप के पद से हटा दिया गया। एक जूनियर सीआईटी को मुरादाबाद का सीआईटी इंचार्ज दे दिया गया, जिसे ट्रेन में कार्य करने के दौरान यहीं से दुर्व्यवहार करने के आरोप में तत्कालीन मंडल रेल प्रबंधक द्वारा निलंबित भी किया गया। सीआईटी स्टेशन मुरादाबाद के द्वारा चेकिंग स्टाफ के रजिस्टर में विभिन्न अनियमितताएं हैं, जिनकी जांच कराने की मांग की गई है। सीआईटी स्टेशन मुरादाबाद रेल को अच्छी अर्निंग देने वाले चेकिंग स्टाफ को परेशान और शोषण करने तथा नाम मात्र की भी अर्निंग न देने वाले स्टाफ को संरक्षण देते हैं, जिससे रेलवे की आय में गिरावट हो रही है। सीआईटी मुरादाबाद सुशील बाबू शर्मा स्क्वायर में कार्यरत थे, तब प्रशासन द्वारा इनको जो प्रोग्राम दिया जाता था वो उस प्रोग्राम पे ना जाकर लगभग 8 माह अपनी मर्जी से गाड़ी वर्क किया करते थे। संगठन के द्वारा सीआईटी मुरादाबाद सुशील बाबू शर्मा और सीएमआई विनीत रंजन को हटाने की मांग की गई। बैठक में मंडल मंत्री एके यादव, मंडल अध्यक्ष संतराम, जितेंद्र सिंह, अशोक पाल, गुरुदेव सिंह, मोहम्मद अरशद, मनहन कुमार, राहुल यादव, नरेंद्र सिंह, सुनील पाल, मनीष पटेल, संजय कुमार, रामपाल, अतीक अहमद, रवि यादव, संदीप बादल, भगवान दीन, ओम प्रकाश कुशवाहा, दिनेश यादव, मेहता सिंह, जी के विश्वकर्मा, अजय कुमार, सुभाष कुमार, मनोज कुमार, अमित, रजनीश आदि के साथ और भी लोग मौजूद। ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन मुरादाबाद मंडल की स्टेशन शाखा ने वाणिज्य विभाग में जारी अनियमितताओं के खिलाफ और ओबीसी रेलवे कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध आज डीआरएम ऑफिस में एक दिन का सांकेतिक धरने का आयोजन किया। जो वाणिज्य विभाग है, इसमें जो मुरादाबाद के सीआईटी स्टेशन है मिस्टर सुशील बाबू शर्मा, ये ओबीसी रेलवे कर्मचारियों का शोषण करते हैं, रेल को अर्निंग देने वाले कर्मचारियों का शोषण करते हैं। जो रेल को 1 रुपये की अर्निंग नहीं देते, ये उनको संरक्षण देते हैं। तो हमारी डिमांड है कि सुशील बाबू शर्मा सीआईटी स्टेशन को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए एवं सीएमआई कैटरिंग श्री विनीत रंजन को तत्काल प्रभाव से उनकी सीट से हटाया जाए। विनीत रंजन अवैध वेंडरों का कारोबार चलाते हैं, आपने रेलवे के अंदर देखा होगा कितनी अवैध वेंडिंग होती है, इसके मास्टरमाइंड विनीत रंजन है। कलेक्ट्रेट से लगा के 8 DRM ऑफिस तक रेलवे संगठन के अलावा प्राइवेट संगठन धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही। प्रशासन अपने कानों में तेल डाल के बैठा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट सुपरवाइजरों को तत्काल हटाया जाए और उन्हें दंडित करके ट्रांसफर किया जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।